और अब बात यूपीएससी की उन सीधी भर्तियों की जिसे लेटरल एंट्री कहा जाता है। यूपीएससी ने अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में निदेशक, संयुक्त सचिव और उप सचिव के 45 पदों के लिए जो विज्ञापन निकाला है उस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कल कांग्रेस ने कहा था कि ऐसी भर्तियां संघ से जुड़े लोगों के लिए ब्यूरोक्रेसी में बैकडोर एंट्री का काम कर रही हैं और आज राहुल गांधी ने आरक्षण वाला सवाल उठा दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपीएससी की जिस परीक्षा को पास करने में बड़े बड़े फेल हो जाते हैं, जिस दफ्तर में कुर्सी पर बैठने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर में बच्चे 8x8 के कमरे में कई साल गुजार देते हैं, अगर वो कुर्सी बिना परीक्षा के ही मिलने लगे तो सवाल और बवाल दोनों तय। हो भी यही रहा है। यूपीएससी में बिना परीक्षा होने वाली भर्ती यानी लेटरल एंट्री पर बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने पहले संघ लोक सेवा आयोग को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाला तंज कसा था और अब आरक्षण वाला तीर चलाते हुए इसे पिछड़ों, दलित और आदिवासियों पर हमले से जोड़ दिया। राहुल ने एक्स पर लिखा, लेटरल एंट्री दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। बीजेपी संविधान को खत्म करने और बहुजन को आरक्षण से वंचित करने के लिए राम राज्य की गलत परिभाषा पेश कर रही है। राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री को संविधान खत्म करने और आरक्षण छीनने की चाल बताया तो जवाब लेकर बीजेपी सामने आ गई और राहुल पर एक बार फिर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। भड़म फैलाने की ये कोशिश की जा रही है। मैं चुनौती कर देता हूं, अगर थोड़ी सी भी पारदर्शिता और मानवता और नैतिकता है तो आए बहस करें, उसके नोटिफिकेशन को देखें। भड़म फैला करके भारत को क्या करना चाहते हैं? हर चीज में भड़म। यूपीएससी में लेटरल एंट्री का मुद्दा ऐसे वक्त में उछला जब जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में भी कुछ वक्त बाद चुनाव होना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ और आंकड़े लेकर सामने आए। उन्होंने एक्स पर लिखा, सरकारी नौकरी देने की जगह पीएसयू को बेचा गया और 5 लाख से ज्यादा पद खत्म किए गए। कैजुअल और कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती में 91% का इजाफा हुआ। 2022-23 तक SC/ST OBC के 1,30,000 पद कम हुए। आपने बीजेपी की पूरी रणनीति या पॉलिसीज देखी है तो वो एंटी रिजर्वेशन, वो एंटी दलित, एंटी आदिवासी, एंटी OBC रह चुकी है और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती कि इसको कैसे ख़त्म करें। तो अलग अलग आइडियाज़ लेके आती है, जो उसको आप बैक डोर एंट्री कह सकते हैं ताकि लोग उनको इजीली नहीं समझे। कांग्रेस लेटरल भर्ती पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी उसे इतिहास का आईना दिखा रही है। पूछा जा रहा है कि मनमोहन सिंह से लेकर मोंटेक सिंह आहलूवालिया किस रास्ते से विभागों में गए थे। इस सवाल का जवाब खड़गे ने दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, हम लेटरल एंट्री गिने चुने स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स को कुछ सेक्टर स्पेसिफिक पदों में उनकी उपयोगिता के अनुसार नियुक्त करने के लिए लाए थे, पर मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री का प्रावधान सरकार में एक्सपर्ट्स नियुक्त करने के लिए नहीं बल्कि दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों का अधिकार छीनने के लिए किया है। SC/ST OBC EWS के पद अब RSS के लोगों को मिलेंगे। ये आरक्षण छीनकर संविधान को बदलने का भाजपाई चक्रव्यूह। यूपीएससी में बिना परीक्षा नौकरी का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। आम आदमी पार्टी भी इस बात का पूरी तरीके से विरोध करती है और हम लोग इसका विरोध करेंगे। उत्तर प्रदेश में हमारी सभी जिला इकाइयों से बातचीत हुई है, इसको लेके हम लोग पहला आंदोलन उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे और सभी जिलों में इसको लेके प्रदर्शन करेंगे। इस देश के अंदर आरक्षण खत्म करने की भाजपा की नापाक कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। सबके अपने अपने तर्क हैं, कोई भविष्य का डर दिखा रहा है तो कोई इतिहास के आंकड़े बता रहा है। बिना परीक्षा भर्ती पर सियासत अभी कुछ दिनों तक इसी तरह जारी रहेगी। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती क्या है जिस पर इस वक्त सियासी बवाल हो रहा है। देखिए लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती के जरिए एक्सपर्ट्स को सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के जरिए संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव पद पर सीधे नियुक्त किया जाता है। सरकार कहती है कि इसके जरिए अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स की प्रतिभा इस्तेमाल करना चाहती है। यूपीएससी की तरफ से की जाने वाली इन सीधी भर्तियों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है और इसी पर बवाल।
इस तरह से सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के पद पर नियुक्तियां पहले भी होती रही हैं। यूपीएससी ने इस बार भी 45 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है। इनमें 10 पद संयुक्त सचिव के हैं, 35 पद पर निदेशक और उप सचिवों की भर्ती हो जानी है, जिन्हें 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरी दी जाएगी। अच्छा प्रदर्शन करने वालों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया भी जा सकता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।